हाय फ्रेंड्स, फूड गली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कांदा भज्जी यानी कि प्याज के पकोड़े। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज। इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही बारीक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना कट कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। इसे हम हल्के हाथों से लच्छों को, प्याज का जो लच्छे है उसको छुड़ाते हुए हम मिला लेंगे, ताकि इवेनली हमारे जो लाल मिर्च का पाउडर है और नमक अच्छे से प्याज में मिल जाए। और इसे हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो प्याज में जो हमने नमक डाला था उसमें थोड़ा पानी छोड़ दें। अब कुछ देर बाद हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, इसमें से मैं सिर्फ आधा ही डालने वाली हूँ और इसे मिलाकर देखूंगी कि कितना हमारा जो बेसन है वो लग रहा है। एक साथ आप पूरा ना डाल दें। ये देखिए, मुझे और ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने सारा डाल दिया है। अब हम बेसन से प्याज को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इतना हमें मसलना है ताकि जो हमारा जो भी प्याज है वो बेसन में अच्छी तरह मिल जाए। अगर आपको यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़े तो कुछ छींटे मार ले और अच्छे से मिला ले। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरे धनिया का पत्ता और 2 मीडियम साइज के हमने ग्रीन चिली को बारीक बारीक कट कर लिया है। और उसी के साथ हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे हाथों में थोड़ा थोड़ा लेंगे और बिल्कुल गर्म तेल में हम इसे डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए हमारा जो ऑयल है। ये देख सकते हैं, एक एक करके हम सारे जो हमारे कांदा भज्जी है उसे हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। आप फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें, वरना आपके पकौड़े जो है ऊपर से पक जाएंगे और अंदर के कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरे साइड से भी हमें पका लेना है। मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं और आपके क्रिस्पी सा पकौड़ा बन के तैयार है। बस इसे अलट पलट के पकाते रहें। ये देखिए, बिल्कुल अंदर से भी पका हुआ हमारा एक प्याज के पकोड़े। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही जल्दी बन जाने वाला, बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा ये रेसिपी है। थैंक यू।